जय श्री राम। प्रिय संसार जगत के निवासियों, कृपया मनुष्य जीवन के परम लाभ एवं परम लक्ष्य के लिए मेरी वाणी को ध्यान से सुने, समझें और यदि अनुभव हो जाए तो अवश्य धारण करें। आप सभी के बीच आपका अपना श्रद्धा एवं विश्वास, भगवान शंकर जी का एक सेवक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। संपूर्ण दृश्य संसार जगत का संक्षिप्त रूप मनुष्य शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं मात्र संकेत रूप में दिखलाई देती है। प्रमाण के लिए मूत्राशय में क्षार सागर, पेट में जलाशय या जल सागर, स्तनों में क्षीर सागर, कंठ में सुस्वाद जल सागर, रक्त में दधि सागर, कफ में सुरा सागर एवं मज्जा में घृत सागर, 14 भुवनों का सांकेतिक स्थान मनुष्य शरीर में निम्नलिखित है। कटी यानी कमर में पाताल, गुह्यदेश में रसातल, जंघा में महातल, जंघा मूल में तलातल, तलवे में सूतल, चरण के ऊपर बितल, घुटने के पीछे अटल, कमर एवं नाभि के बीच भूतल। ऐसा तो अधालोक में नाभि में भू, नाभि के चार अंगुल ऊपर भुव, हृदय में स्व एवं कंठ में मह। ए मृत्युलोक में मुख में जनह, ललाट में तपह एवं ब्रह्मरंध्र में सहस्रार यानि सत्यलोक। ये तीनों ऊर्ध्वलोक या भूवरलोक है। ब्रह्मांड में अदृश्य कारण शरीर, मन की उत्पत्ति, 5 ज्ञान इंद्रियों जैसे स्वाद, गंध, रूप, श्रवण और स्पर्श एवं 5 कर्म इंद्रियों जैसे जिह्वा, नासिका, नेत्र, कर्ण एवं त्वचा के कारण होता है। क्योंकि इंद्रियां विषय भोग की वस्तुओं की प्रेमी होती हैं, इसलिए मन के अंदर अनेकों विकारों जैसे इच्छा, लोभ, कामवासना, क्रोध, मद यानी घमंड, मत्सर यानी जलन, ममता, कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, धोखा एवं चोरी आदि की उत्पत्ति हो जाती है। इन असाध्य विकृतियों की आसक्ति के लिए महाठगनी माया परिवर्तित तत्व, परम तत्व यानी आत्मा के चारों ओर गुणों जैसे तामसिक, राजसी एवं सात्विक को उत्पन्न कर कर्म स्वभाव एवं काल से घेर लेती है। यह कार्य परमात्मा के संकल्प द्वारा मात्र लीला के लिए संतत होता रहता है। वास्तव में धरती पर यह लीला मात्र प्रेम एवं वैराग्य के लिए ही होता है। समय चक्रों के अनुसार आसक्ति बढ़ती जाती है और लगभग 4,32,00,000,000 वर्ष में महाप्रलय हो जाता है और संपूर्ण दृश्य संसार जगत
चींटी से लेकर सूर्य चंद्रमा एवं तारा आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। परम पवित्र अवस्था तुरीयावस्था या जिसे ब्रह्म अवस्था भी कहते हैं, इस अवस्था में विशेष शोध से अवगत हुआ कि प्रधान पांच तत्वों आकाश वायु अग्नि जल एवं धरती की उत्पत्ति मात्र परम तत्व से हुई है। यानी इनको विज्ञान के भाषा में कहें तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं वे सभी मात्र एक ही तत्व से निकले हैं, जिस पर आइंस्टाइन न्यूटन आदि की थ्योरी भी आधारित है। इन तत्वों से सृजित प्रपंची मनुष्य शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार की उत्पत्ति होती है, जिसे अष्टांग प्रकृति कहते हैं। इसी से संपूर्ण दृश्य जगत सृजित है। संक्षेप में, किसी भी मनुष्य का अपना अस्थाई अस्तित्व नहीं है। अहंकार एवं अज्ञान के कारण संपूर्ण धरती के दृश्य निवासी मात्र धन वंश एवं नाम की प्रबल इच्छा के कारण तिजारी नामक प्रचंड बुखार से पीड़ित है। इनसे मुक्ति के लिए परम तत्व के श्री मुख से उत्पन्न ब्राह्मण, जो धरती के पहले देवता कहे जाते हैं, आज एक भी नहीं है। प्रमाण के लिए, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। यानी ऐसा ब्राह्मण जो वंश धन और नाम तीनों की इच्छा का किसी भी यजमान के मन से हरण कर ले, वही परम पवित्र ब्राह्मण होगा। आज युग के प्रभाव से ब्राह्मण समाज अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख एवं नीची जाति की व्यभिचारी स्त्रियों के स्वामी हो चुके हैं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रिशली स्वामी। गुरु, जो कृपा के समुन्दर और मनुष्य के रूप में जनसाधारण के लिए साक्षात विष्णु स्वरूप हुआ करते रहे, आज विरक्ति एवं विवेक रहित होकर मीठी वाणी का प्रयोग कर कपट, हट, दंभ, द्वेष, पाखंड की दासता स्वीकार कर चुके हैं। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारा दिमद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। आज की समय चक्र में ऐसे लोग गुरु के वेश में सरल स्वभाव वाले गृहस्थों का धन तो हरण कर लेते हैं, परंतु उनका भ्रम हरण नहीं कर पाते और नरक के गामी हो हैं। हर ही शीश धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। कृपया चित्त को स्थिर कर ध्यान से जान ले और सुने कि जो भी मनुष्य संत का ताना बाना लपेट कर भिक्षा की याचना करता है, वह मात्र एक भीख मंगा होता है। और जो संत का चोला धारण कर
ज्ञान देकर कुछ मांग लेता है वह मात्र एक लोभी और लोलुप होता है। और ऐसे मनुष्य जो आश्रमों मठों और कुटियों का निर्माण कर मीठी बोली देकर भक्तों का धन हरण कर लेते हैं वे मात्र और मात्र एक वेश्या होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते। विवेकी पुरुष जो इस संसार जगत में है कृपया विचार कर ले कि अष्टांग प्रकृति यानी धरती जल अग्नि हवा एवं आकाश के अलावा मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार से निर्मित मनुष्य शरीर सृष्टि की सर्वोच्च रचना है। सांसारिक ज्ञान यानी समाज शास्त्र एवं जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य सबसे ज्यादा विकसित सामाजिक प्राणी है। प्राणी के चार प्रमुख गुण होते हैं, आहार, निद्रा, डर एवं मैथुन। जो भी मनुष्य शरीरधारी इन चारों में से एक का त्याग करेगा वही वास्तव में मनुष्य बन पाएगा जिसका मन वश में हो। अन्यथा जो भी इन चारों के वश में हो उसे मात्र पशु और उसके नीचे का कार्य करता हो तो राक्षसी समझें। सभी सदग्रंथों के अनुसार किसी जीव को मात्र ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। जो साधना के द्वारा कारण शरीर मन को मुक्ति के दरवाजे तक पहुंचाने का साधन है। जो जीव इसे पाकर भी अपना मन शुद्ध न कर पाया उसको कर्मानुसार अन्य शरीर प्राप्त होता है और वह नाना प्रकार के भोगों से सुख दुख का अनुभव करता ही रहता है। प्रमाण के लिए बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा असाधन धाम मोक्ष कर द्वारा अजे न पाई पर लोक सवारा। ऐसे लोग जब दुख पाते हैं तो अपना सिर पीट पीट कर पछताते हैं तथा अपना दोष न समझकर समय कर्म और परमात्मा पर झूठा दोष मरते रहते हैं। सांसारिक वैज्ञानिक न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है, अर्थात प्रत्येक प्राणी मात्र अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। अतः अन्य जीव को दोष लगाना अज्ञान है। सत्य के प्रमाण भगवान शंकर जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार कोई भी किसी को सुख और दुख नहीं देता, सभी लोग अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। अकाहू न को सुख दुख कर दाता अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पवित्र भाव से विचार करने पर अनुभव प्राप्त होता है कि यदि कोई प्राणी किसी पत्थर पर अपने हाथों द्वारा प्रहार करे तो मात्र उसी के हाथ में चोट लगती है न कि अन्य को। विवेकधारी कृपया विचार करे कि सबसे ज्यादा विकसित मनुष्य शरीर में स्वाद, गंध, रूप, श्रवण
एवं स्पर्श की संवेदना ग्रहण करने के लिए क्रमशः जिह्वा, नासिका, नेत्र, कर्ण एवं त्वचा का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। सूत्र यानी डीएनए के चारों घटकों एडिनोसिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन के संयोग से अरबों मानसिक अवस्था के मनुष्य पृथ्वी पर उपस्थित है। इसी प्रकार भोजन के 6 रसों कड़वा, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा और नमकीन, गंधों के अनेक प्रकारों, रूप के अनेकों सौंदर्यों, पंच शब्दों, तंत्री, ताल, झांझ, नागरा और तुरही, पंच ध्वनि, वेद, बंदी, जय, शंख और हुलू आदि से कितने भोग विलास की वस्तुओं का समायोजन संभव है। क्या करोड़ों जन्मों में कोई भी जीव सभी भोगों को भोग भी सकता है? शायद आप कहेंगे जी नहीं। क्या किसी भोग से अस्थाई सुख प्राप्त भी किया जा सकता है? जी नहीं। समय चक्र की वर्तमान अवस्था में दृश्य संसार जगत का लगभग प्रत्येक प्राणी इन क्षणिक सुख की वस्तुओं के लिए अपने अपने मन के भीतर अनंत इच्छाओं को पैदा कर चुका है। इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनेकों असाध्य मानसिक विकारों जैसे इच्छा, लोभ, काम वासना, क्रोध, मद, मत्सर, ममता, मोह, कपट, दंभ, पाखंड, झूठ, धोखा, चोरी एवं ठगी इत्यादि को पैदा कर चुका है। परम पवित्र ब्रह्म अवस्था में शोध करने से पता चला कि किसी भी प्राणी का प्रत्येक संबंध में मात्र एक ही भाव होता है। उसी भाव की पवित्रता हेतु निष्काम सेवा की नीति धर्म है। परंतु इंद्रियों के वश में होने के कारण वर्तमान संबंध लोभ आधारित हो चुका है। विश्लेषण से पता लगा कि लोभ अतिकाय रूपी राक्षस के द्वारा संचालित हो रहा है। प्रमाण के लिए लोभ की सीमा रेखा विश्व के कानून में निश्चित नहीं है। शांति को भंग करने वाला मेघनाद काम वासना को संचालित कर रहा है। प्रमाण के लिए पवित्र भक्तों को छोड़कर श्रेष्ठ पदों को धारण करने वाले विश्व धर्म संगठन के अध्यक्ष, विश्व धर्म गुरु, नोबेल वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महंत, साधक, सिद्ध, विमुक्त, मौलवी सहित सभी धर्मपरायण पंडितों का भी मन काम वासना से मुक्त नहीं है। वर्तमान शरीर डॉक्टर रविशंकर पांडे के बुद्धि को विश्व से मानसिक रोगों के उन्मूलन हेतु 27 जुलाई 2014 को अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन विभाग द्वारा चीफ एडिटर यानी मुख्य संपादक नियुक्त किया जाता है। परंतु लोभ एवं वासना के प्रचंड प्रभाव के कारण संपूर्ण विश्व का एक भी प्राणी सन्मुख तक नहीं हुआ। लोभ एवं वासना के कारण क्रोध रूपी महापापी देवांतक कलयुग का तीसरा सेनापति बन चुका है। इन सभी का साथ मद रूपी सूलपाणी, मत्सर रूपी दुष्ट महोदर और ममता रूपी माया रूपी नारी सभी पुरुष शरीरधारी मनुष्यों के मन को अपने कब्जे में कर रखे हैं। इसमें जीव का कोई दोष नहीं है। दृश्य संसार जगत सद्गुणों एवं दुर्गुणों से सान कर बनाया ही गया है। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए कुछ साधक पिछले 5,117 वर्षों से अवश्य प्रयास किए हैं, परंतु भगवान शंकर जी की 8 दासियों जैसे अरिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व और वार्षित्व के द्वारा जकड़ लिए गए और वशीकरण मंत्र की सिद्धि कर ये सभी सिद्धि धारक
गुरु शंकराचार्य महामंडलेश्वर महंत मौलवी फादर आदि के पदों को धारण कर जनमानस के अंदर कपट रूपी अकंपन नामक राक्षस का बीज बो चुके हैं। ऐसे सभी पशुवत और पापमय प्राणी कलयुग के सेनापतियों जैसे लोभ काम एवं क्रोध एवं योद्धाओं जैसे कपट दंभ पाखंड के मात्र दास हैं, परम तत्व के सेवक किंचित भी नहीं। ऐसे राक्षस अपने आप को स्वामी कहलवाने में भी नहीं सकुचाते। ईश्वर के इस लीला स्थली में अब ऐसे सभी पाखंडियों का भेद खुल चुका है। परमेश्वर श्री राम जी की विशेष कृपा से प्रेरणा प्राप्त हुई और हिमालय क्षेत्र से इस शिव सेवक का आगमन आप सभी के मध्य हो चुका है। कृपया निडर एवं संकोच रहित होकर सन्मुख हो। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व अशांति कुमति अपवित्रता एवं रोगों की भीषण ज्वाला में जल रहा है। यदि विश्व के श्रेष्ठ पदाधिकारी सहित समस्त जीव सन्मुख हो तो संपूर्ण विश्व को शांति सुमति पवित्रता एवं निरोग यानी स्वस्थता के स्वरूप में परिणित करना आज भी संभव है। पृथ्वी के प्रत्येक भूभाग के राजा यानी प्रधानमंत्री से विनम्र अनुरोध है कि आदर्श मानव नीति की स्थापना हेतु सन्मुख हो, राज मद के चपेट में न आवे और जान ले कि धरती पर सबसे बड़ा मद राज मद ही होता है। मनुष्य जीवन के परम लाभ के लिए जेनेटिक एंड मॉलिकुलर लेवल से लेकर सनातन क्रिश्चियन इस्लाम बौद्ध एवं गुरु ग्रंथ साहब तक के सभी सदग्रंथों की समीक्षा के लिए सभी सदग्रंथों के अनुयायी एवं आचरण करने वाले के साथ यह शंकर जी का एक छोटा सा भक्त समीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार है। संक्षेप में मनुष्य शरीर से मोक्ष तक की प्राप्ति संभव है। इसका फल सांसारिक विषय भोग नहीं है। भवसागर से पार जाने वाले सभी मनुष्य शरीरधारी कृपया ध्यान से सुने और अपने चित्त को स्थिर कर इस बात को धारण कर ले कि संसार के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है। इस शरीर की बुद्धि को जब इस बात का पूर्ण अनुभव हो गया तो स्वर्ग वैकुंठ सहित सभी सुख भोग की इच्छा का परित्याग तिनके के त्याग जैसा हुआ और प्रभु की कृपा से सांसारिक चारों आश्रमों का परित्याग हुआ और अति दुर्लभ जीवन मुक्त की अवस्था प्राप्त हुई। 27 दिन तक हिमालय क्षेत्र में समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई थी। 27 दिन के बाद प्रेरणा प्राप्त हुआ कि जन परम कल्याण होती हूँ, मुझे इस शरीर को लेकर स्वच्छंद धरती पर विचरण करना है। कृपया ध्यान दे कि विषय भोग में पड़कर अति दुर्लभ मनुष्य शरीर अनेकों कुकर्मों को करता रहता है, जिससे जीवात्मा को अनेकों शरीर धारण कर कर्म फल भोगना ही पड़ता है। यदि अहंकार का शुद्धि कर मनुष्य परमात्मा का पवित्र सेवक बन जाए और आत्मीय सिद्धांत का पालन करना प्रारंभ कर दे तो जीवन शांति पवित्रता और स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो जाएगा। यह स्वतः का निजी विश्वास है। जो मनुष्य ऐसे शरीर का साधन पाकर भव सागर से न तरे तो वे कृतज्ञ हैं, मन बुद्धि है
और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर जी की वाणी है कि जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मती आत्मा हने गति जाए। आज कपट भेषधारी जो अधर्म के रास्ते पे है, जिनको स्वतः पता नहीं है, ऐसे निकृष्ट पाखंडी जनमानस के अंदर ऐसी धारणा भर दिए है कि एक जन्म में मुक्ति होती ही नहीं, ऐसे लोग स्वतः पशुवत है और पापमय है, ऐसे किसी भी व्यक्ति के बाणी पर कृपया ध्यान न दे। मार्ग सुलभ है, इसको जानने की आवश्यकता है। शेष रहस्य को जानने व मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करने के लिए विश्व का कोई भी मनुष्य मानसिक एवं आध्यात्मिक पुत्र अनुराग, जिनका संपर्क नंबर है +91 88 9565 9254, सहयोगी श्री हनुमान भक्त अजय मिश्रा जी, जिनका संपर्क नंबर है +91 99 5 648 2810, एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के विभाग में कार्यरत श्री गिरधारी लाल मिश्रा जी, जिनका संपर्क नंबर है +91 842 368 5653, को संपर्क कर सकते हैं। मुझे मात्र शंकर जी का एक सेवक जाने, आप सभी का अपना श्रद्धा एवं विश्वास परमार्थी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।